लेकिन आपकी पार्टी कहती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, हम बहुत सारे काम करेंगे। आपको तो प्राइम मिनिस्टर भी है, केंद्र शासित प्रदेश है और प्राइम मिनिस्टर हमारा भाजपा के मोदी जी है, तो फिर क्या किया भाजपा? नहीं, एक मिनट सुनिए सुनिए, मेरा एक खुद वो ठीक है, सुनिए बात सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं बनेगा तब भी करेंगे ना आप, या फिर जरूरी बनाना सीएम? अभी हम अभी भी जोर लगा रहे हैं, जब हमारे कुछ कह रहे हैं कि आपका सीएम होना चाहिए तब बहुत सारे। देखिए सियासत क्या होती है, तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी का सीएम जरूरी नहीं, मुझे बताइए सवाल सवाल सीएम का, सीएम सीएम बनना जरूरी है फिर मसीब तहत हो जाएंगे सीएम? सीएम बनने से देखिए मेरी बात सुनिए, जब सरकारी खजाने का प्रॉपर यूटिलाइज करना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी हो, तो ताकत आपके हाथ में चाहिए। जो ताकत हमेशा अब्दुल्लाज और मुफ्तीस के पास रही है और वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुई। हम चाहते हैं सरकारी खजाने पे और खासकर सेंटर से जो खजाना आता है वो जम्मू की गरीब जनता के पास पहुंचे, मुफ्तीस और अब्दुल्लाज के पास। देखिए हर बार भाजपा यही बोलती है, लेकिन 2020 की बात करूंगी जो एमएचए का डेटा था उसमें ये बोला गया कि 200 आतंकवादी जो वैली में एक्टिव है, उसके बाद 2021 की बात है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में 215 आतंकवादी एक्टिव थे, यानी कि जो आपकी बातें की गई कि आतंकवाद को खत्म करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है। लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं इस महीने में 2-4 एनकाउंटर वैली में होते हैं, तो फिर आतंकवाद बढ़ कैसे रहा? तो ये अभी मैं ये आपसे एडमिट करता हूं कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, आप इसके गवाह हैं, आप ग्राफ देख लीजिए 2015 से पहले आतंकवाद का और 2015 के बाद। आतंकवादियों की एक ही सोच है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या उनके लीडरों को अटैक किया जा रहा है। लेकिन अभिनव जी हम सहमत नहीं है, देखिए अटैक हो रहे हैं आपके नेताओं पर, अटैक हो रहे हैं आपके लीडर्स पे, आपके जितने भी वर्कर्स हैं उन पर अटैक हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और केंद्र के इशारे पे चलता है, सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद फिर आतंकवादी ऐसी गतिविधियां क्यों कर रहे हैं? जब आप लोगों ने कमर कसी उनकी, जब 2020 का डेटा मैं 200 बोल रहा हूँ और 2021 का डेटा मैं 215 बोल रहा हूँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के थ्रू है, तो फिर कहाँ कमर कसी आपने? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले आपसे एडमिट किया कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। चलिए अभिनव जी ये तो मानना पड़ेगा कि आतंकवाद कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर आतंकवाद कंट्रोल में होता कश्मीर से आतंकवाद फैल फैल के जम्मू कश्मीर में नहीं आता। आईईडी ब्लास्ट हमें यहाँ मिलती है, हर चीज हमें यहाँ मिलती है, पुंछ में चीजें हो रही है। क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आतंकवाद अब कंट्रोल में नहीं है तो आतंकवाद कब कंट्रोल में था ये बताइए मुझे। आपने कहा था कि कश्मीर को नया कश्मीर बनाएंगे और कश्मीरी पंडित को घर वापसी करवाएंगे, आपको पता है कि कश्मीरी पंडित आर्टिकल 370 हटने के बाद कितने घर वापसी हुए? देखिए मेरी बात सुनिए, रिंग हो रही है, रिंग रोड बन रहे हैं, पहले की प्रोजेक्ट कांग्रेस के प्रोजेक्ट फोन है, किसने कहा कांग्रेस के प्रोजेक्ट? 2014 से लेके 21 तक काम कब हुआ? सुनिए बात, 2019 से लेके 2021 दो साल हुए हैं, और 2 साल वेट कीजिए, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, 2 साल वेट कीजिए, आपको जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू का पूरा नक्शा बदला होगा। चलिए मैं सबकी बात करूँ, लेकिन कश्मीरी पंडित का जो मैंने आपसे सवाल पूछा, पार्लियामेंट हाउस में जब मिनिस्टर होम अफेयर्स से डेटा मांगा गया तो सिर्फ 520 कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस गए, वो भी प्रधानमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ पे रह भी रहे हैं तो वहाँ की कॉलोनीज में वो लोग अपने घर पर वापस नहीं गए, आपने क्या किया उनके लिए? हमने उनके लिए एक नई कॉलोनी का प्रावधान बनाया है। हर आप देखिए आज के पेपर पढ़ा आपने, डिस्ट्रेस सेल ऑफ माइग्रेंट्स प्रॉपर्टी एक्ट, ये होते हैं काम करने के तरीके, और आप बड़ी जल्द देखेंगे जैसे आपने तिरंगा देखा लाल चौक में, हर चौक में कश्मीर में आप कश्मीरी पंडितों को भी हर शहर हर कॉलोनी में बड़ी जल्दी देखेंगे। अभिनव जी आपकी पार्टी ने वादे किए थे अच्छे दिन के, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, चलिए वो उसमें क्या है वो हम बाद में बात करें, लेकिन महंगाई है, महंगाई आप बोल रहे कि डीजल पेट्रोल के दाम इतने इतने ऊपर चले गए, कहाँ है अच्छे दिन? अच्छा खाने के तेल का आप देखिए उसका कितना है, खाने की चीजों के रेट कितने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर भाजपा को इल्जाम लगता है ये वाला, अगर गरीबों कहीं ना कहीं खाना वो लोग फ्री में दे रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग पैसे, अगर मिडिल क्लास फैमिली को महीने का 10 या 12 का खर्चा था उसका 20,000 हो गया, तो कहीं ना कहीं वो 10,000 की चोट जो है वो सरकार हासिल करके गरीबों को खाना दे रही फ्री में। 80 करोड़ जनता को मुफ्त खाना, 80 करोड़ सारे ग्लो पॉवर्टी लाइन में,
उसमें मिडिल क्लास की ऐसा है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के सभी लीडर से अपील करूंगा, आप अपने मुंह बंद मत कीजिए, जितने मुंह खोल सकते हैं अपने खोलिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भलाई का काम होगा, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलते हैं वो देश विरोधी बात करते हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए है भाजपा के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, लगातार कश्मीर की बात करें या फिर जम्मू की बात करें, पूंछ रजौरी की बात करें, तो इनको किस तरह देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, आतंकवादी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में पनपना शुरू हुई थी 89 में, तो उसके बाद इनका ग्राफ ऊंचा ही चलता गया, लेकिन पिछले 5-6 साल से और खासकर 2.5-3 साल से आतंकवाद की कमर टूटी हुई है, और आपने देखा कि काफ़ी आतंकवादी ढेर हुए हैं, चाहे पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस की बात करिए, आर्मी की बात करिए या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करिए, काफ़ी आतंकवादी पिछले 2-3 सालों में ढेर किए गए हैं। अब चूंकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि वो इक्का दुक्का जो घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे आपने परसों की घटना राजौरी की है, उससे पहले कश्मीर की है, तो ये अभी मैं ये आपसे एडमिट करता हूं कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ काफी नीचे चला गया है, और जो थोड़े बहुते आतंकवादी रह चुके हैं या उनके कुछ स्लीपर सेल्स हैं, वो भी आने वाले समय में उनका भी सफाया होने वाला है। देखिए हर बार भाजपा यही बोलती है, लेकिन 2020 की बात करूं, जो एमएचए का डेटा था उसमें ये बोला गया कि 200 आतंकवादी जो वैली में एक्टिव हैं, उसके बाद 2021 की बात है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में 215 आतंकवादी एक्टिव थे, यानी कि जो आपकी बातें की गई कि आतंकवाद को खत्म करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है। लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं, महीने में 2-4 एनकाउंटर वैली में होते हैं, तो फिर आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है? देखिए आपने एक चीज देखी होगी कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खोखले वादे कर रही है। देखिए 1999 से लेके 2015 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में जम्मू कश्मीर में नहीं थी, 3 साल के लिए पीडीपी के साथ आई, उसके बाद गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहा है, राइट। लेकिन आप इसके गवाह हैं, आप ग्राफ देख लीजिए 2015 से पहले आतंकवाद का और 2015 के बाद। मैंने आपको 2 ही साल का ग्राफ बताया, बिल्कुल कहा ग्राफ गिरा हुआ है, बिल्कुल गिरा हुआ है, और पिछले 2 सालों में आतंकवादियों की एक ही सोच है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या उनके लीडरों को अटैक किया जाए। आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स वर मेड अगेंस्ट द वर्कर्स एंड लीडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, इसमें पूरा सहयोग करेंगे, इससे आतंकवादी घबराए हुए और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन अभिनव जी हम सहमत नहीं है। देखिए अटैक हो रहे हैं आपके नेताओं पे, अटैक हो रहे हैं आपके लीडर्स पे, आपके जितने भी वर्कर्स हैं उन पे अटैक हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और केंद्र के इशारे पर चलता है, सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद फिर आतंकवादी ऐसी गतिविधियां क्यों कर रहे हैं? जब आप लोगों ने कमर कसी उनकी, जब 2020 का डेटा मैं 200 बोल रहा हूँ और 2021 का डेटा मैं 215 बोल रहा हूँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के थ्रू है, तो फिर कहाँ कमर कसी आपने उनकी? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले ही आपसे एडमिट किया कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये भी कहा साथ में कि 2015 का ग्राफ देख लीजिए और 2015 के बाद का ग्राफ देख लीजिए। अब आप 200 और 215 की बात कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी खत्म हो रहे हैं वो रिक्रूट जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 200 से अगर 215 हुए तो आतंकवाद बढ़ा है। आतंकवादियों की गिनती बढ़ सकती है लेकिन आतंकवाद नहीं बढ़ा, आतंकवाद कंट्रोल में है, पहले से काफी कम इसका ग्राफ है। ये जो मैंने कहा जो इक्का दुक्का घटनाएं हो रही है, जो अभी रिसेंट पास में हुई है, ये फ्रस्ट्रेशन है आतंकवादियों की, क्योंकि इनके काफी लीडर्स जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। आपने बात की लगातार आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन आतंकवाद पहले कश्मीर तक सीमित था, पूरे जम्मू कश्मीर में है, एयरपोर्ट ब्लास्ट हो रहे हैं, रजौरी में अटैक हो रहे हैं, पुंछ में ग्रेनेड अटैक, डोडा में, सब जगह आतंकवादी जो अपनी गतिविधियां वो हो रही हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने कंट्रोल तो किया नहीं। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा, मैंने आपसे ये जरूर कहा कि आतंकवाद की कमर टूटी हुई है, आतंकवाद का ग्राफ काफी नीचे गिरा हुआ है, और ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही है, गिनी चुनी घटनाएं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन की एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और
जितने भी टारगेट्स किए जा रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द टारगेट्स आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ बीजेपी एंड द वर्कर्स ऑफ बीजेपी। लेकिन आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आतंकवाद पहले से काफी ज्यादा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। चलिए अभिनव जी, आर्टिकल C-70 आप लोगों ने तोड़ा, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा हुआ जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने कहा था कि कश्मीर को नया कश्मीर बनाएंगे और कश्मीरी पंडित को घर वापसी करवाएंगे। आपको पता है कि कश्मीरी पंडित आर्टिकल C-70 हटने के बाद कितने घर वापसी हुए? देखिए मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 370 और 35 से जो है वो एब्रोगेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, 5 अगस्त 2019 को। अभी दो ही साल हुए और दो साल में नया कश्मीर और नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। आपके सामने उदाहरण है मैसिव डेवलपमेंट जो हुई, आपने देखा कभी लाल चौक में तिरंगा? आपने देखा आज हर एक इंसान जो जा रहा है वो सेल्फी वहां पे ले रहा है, राइट? वो हम मानते हैं। एक मिनट, आज मानसिकता बदली है। पहले कश्मीर में बात ही जाते थे तो डरते थे, आज आपने देखे लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो पहले भी आते इतने नहीं आते थे। अब आपने कहा कि विलय अब हुआ जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को हो चुका था। लेकिन कुछ ताकतें जो विदेशी ताकतों के बल पे बात करती थी, चलिए आने का गैप बना 370 और 35 से के होते हुए भारत का पूर्ण विलय नहीं हुआ, अब उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन नया कश्मीर और नया जम्मू कश्मीर जो 73 साल में दीमक लगाई थी कांग्रेस एनसी और पीडीपी ने, 73 ईयर्स फ्रॉम 1947 टिल 2019, उसको हटाने में टाइम लगेगा और बड़ी तेजी से हट रही है। आप देखिए एम्स बन रहा है, IIT बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, 4 लेनिंग हो रही है, रिंग रोड्स बन रहे हैं। किसने कहा कांग्रेस के प्रोजेक्ट? जब 4 लेनिंग चल रही थी वो 2014 से चल रही थी ना। कौन सी वाली? कौन सी वाली? हाईवे NH है। 2014 से लेके 21 तक काम कब हुआ? सुनिए बात, 2019 से लेके 2021 2 साल हुए और 2 साल वेट कीजिए। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, 2 साल वेट कीजिए, आपको जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू का पूरा नक्शा बदला हुआ मिलेगा। चलिए मैं सबकी बात करूँ, लेकिन कश्मीरी पंडित का जो मैंने आपसे सवाल पूछा, पार्लियामेंट हाउस में जब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से डेटा मांगा गया तो सिर्फ 520 कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस गए, वो भी प्रधानमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत वहां पे नौकरी कर रहे हैं और वहां पे रह भी रहे हैं तो वहां की कॉलोनीज में, वो लोग अपने घर पर वापस नहीं गए। आपने क्या किया उनके लिए? हमने उनके लिए एक नई कॉलोनी का प्रावधान बनाया है। आपने उनसे पूछा वो कॉलोनी में रहना चाहते हैं उनकी जमीन? सुनिए, हर आप देखिए आज पेपर पढ़ा आपने, डिस्ट्रेस सेल ऑफ माइग्रेंट्स प्रॉपर्टी एक्ट, उसको और स्ट्रिंजेंट किया गया है। क्यों किया गया है? आज की अखबार की बात कर रहा हूं, आज सुबह पढ़ी है, डिस्ट्रेस सेल ऑफ माइग्रेंट्स प्रॉपर्टी एक्ट में और प्रावधान डाले जा रहे हैं ताकि कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी पहले सेल नहीं होती थी लेकिन एग्रीमेंट को सेल होती थी, अब उसमें भी बात बनने जा रहा है। ये होती है नियत काम करने की। ये कब बना था एक्ट? 1990 का एक्ट है, 30 साल में किसी ने इसमें संशोधन नहीं किया, अब उसमें संशोधन होने जा रहा है, ना पावर ऑफ अटॉर्नी ना एग्रीमेंट टू सेल से उनकी प्रॉपर्टी सेल होगी। ये होते हैं काम करने के तरीके। और आप बड़ी जल्द देखेंगे, जैसे आपने तिरंगा देखा लाल चौक में, हर चौक में कश्मीर में आप कश्मीरी पंडितों को भी हर शहर हर कॉलोनी में बड़ी जल्दी देखेंगे कश्मीर। अभिनव जी, आपकी पार्टी ने वादे किए थे अच्छे दिन के, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, चलिए वो उसमें क्या है वो हम बाद में बात करें, लेकिन महंगाई आप बोल रहे कि डीजल पेट्रोल के दाम इतने ऊपर चले गए, कहाँ है अच्छे दिन? अच्छा खाने के तेल का आप देखिए उसका कितना है, खाने की चीजों के रेट कितने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर भाजपा को इल्जाम लगता है ये वाला, अगर गरीबों कहीं ना कहीं खाना वो लोग फ्री में दे रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग पैसे, अगर मिडिल क्लास फैमिली को महीने का 10 या 12 का खर्चा था उसका 20,000 हो गया, तो कहीं ना कहीं वो 10,000 की चोट जो है वो सरकार हासिल करके गरीबों को खाना दे रही फ्री में। देखिए ऐसा 80 करोड़ जनता को
मुफ्त खाना, 80 करोड़ सारे बिलो पॉवर्टी लाइन गई, उसमें मिडिल क्लास भी है, राइट, और कितनी करोड़ जनता को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, एक डोज का 1500 रुपए खर्चा आता है, दो डोजेस का 3000 खर्चा आता है। कौन से देश ने, कौन से देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीनेशन अपनी जनता को प्रोवाइड की है? अगर 40 से 45 करोड़ जनता को एक डोज या दो डोज लग चुकी है, ठीक, देखिए बैलेंस मेंटेन करने की बात होती है। हम मानते हैं महंगाई है कुछ क्षेत्रों में, पेट्रोल महंगा है, सब जगह है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, मस्टर्ड ऑयल में हम मानते हैं, सिंचाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, सिंचाई को फेस करना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन, 40 से 45 करोड़ जनता को, या उससे ऊपर भी ग्राफ चला गया होगा, मुफ्त वैक्सीनेशन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, किसी और देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दी। तो जब इतने बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जनता की भलाई के लिए, तो कुछ दुश्वारियां आती हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी इसका भी समाधान होने वाला है। चलिए एक नेशनल लेटर का सवाल है, राहुल गांधी का ट्विटर हैक होता है, उसके बाद ट्विटर बंद किया जाता है, उसके बाद कांग्रेस का ट्विटर बंद किया जाता है, और वो निशाना बाजों पे लगाते हैं कि अगर वो लोग हमारे सोशल अकाउंट बंद करेंगे लेकिन हमारे मुंह बंद नहीं कर सकते, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के सभी लीडर्स से अपील करूंगा, आप अपने मुंह बंद मत कीजिए, जितने मुंह खोल सकते हैं अपने खोलिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भलाई का काम होगा, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलते हैं वो देश विरोधी बात करते हैं, नेशन विरोधी बात करते हैं, संविधान के विरोध बात करते हैं, एकता के विरोध बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, और घोटालों की बात करते हैं। ठीक, मैं आपको एक और बात कहूं, भारतीय जनता पार्टी दो बार केंद्र में सरकार में आई, और पहली बार जब सरकार में आई इसने बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का है, जिसमें मनीष तिवारी जी हैं, जयंती नटराजन जी हैं, इन्होंने वो भारत के संविधान, भारत की अखंडता के खिलाफ वो बयान दिए, और खासकर हिंदू जो साधु समाज था उसके खिलाफ, तो लोग एकत्रित हुए, ये डिवाइड करते हैं लोग यूनाइट होते हैं, और मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि उनको कहिए कि आप अपने मुंह खोलते जाइए और खोले ही रखें। चलिए जम्मू कश्मीर की जो भाजपा, उसमें अच्छे लोग आए जैसे आप है, हमने बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन लाए, अब क्या है भाजपा की स्ट्रेटेजी आगे के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बधाई करें, क्या स्टेप उठाएंगे अगले इलेक्शन में, किस तरह वो उनका एक्शन प्लान चलेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य प्रणाली, एक वर्किंग स्कीम कि वो कैसे काम करती है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। देखिए जो भी कारण बने, आप जो मर्जी कहिए, जिस मर्जी को एट्रीब्यूट करिए, ये भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत थी कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर आती, चाहे वो कोई पार्टी होती शायद सरकार से बाहर नहीं आती, ठीक, और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, जब पहले डिलिमिटेशन हुई थी, डिलिमिटेशन का हमने मुद्दा उठाया, डिलिमिटेशन होने जा रही है, जम्मू के बड़े क्षेत्रों के साथ न्याय होने जा रहा है, जम्मू की जनता के साथ न्याय होने जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जम्मू को इसका हिस्सा मिलेगा वो कश्मीरियों से छीना नहीं जाएगा, उनको अपना हिस्सा मिलेगा, जम्मू वालों को अपना हिस्सा मिलेगा, अगर जम्मू वालों का हिस्सा किसी ने खाया है वो वापस लिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रण लिया है। देखिए ये ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, ट्रांजिशनल 72 साल 73 साल 370 और 35 से जम्मू कश्मीर को दीमक लगा दी थी, सारा खजाना सेंटर से लूटते थे, जिसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, अब अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुई, जम्मू कश्मीर की जनता को भी उन्होंने खासकर यूथ को कभी प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया कि आपको सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट एवोकेशन में भी जाना पड़ेगा, मल्टी नेशनल सेक्टर में जाना पड़ेगा, कारपोरेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाया क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन में सिफारिश, SSRB में सिफारिश, बैकडोर अपॉइंटमेंट, बच्चे आज 30-30 साल से रेगुलराइजेशन सड़कों में मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए, ठीक, अडा डेली वेजर, कैजुअल, सीजनल, नीड बेस्ड, मतलब जैसे कहते हैं ना एक जुगाड़ चलाना, कभी कंक्रीट पॉलिसी कभी बनाई नहीं, ना कोई इंडस्ट्री आई,
ना हेल्थ सेक्टर आया, ना एजुकेशन आई। अब मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के यूथ को कहूंगा कि आप मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के बच्चों से सीखिए कि नौकरियां जो सरकारी होती हैं उसके अलावा भी फ्यूचर कहीं और भी होता है। यहाँ पे लोगों को एसपीओस, होमगार्ड्स, डेली वेजर्स, खुद आप मलाई खाते जाइए और उनको आप उनसे सेवा करवाते जाइए, उनको नौकर बनाते जाइए और खुद जो है सारा सेंटर का खजाना वो लूटते जाइए। ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की एक सोच थी जो अब खत्म होने जा रही है। चलिए डेली वेजर्स की बात की, आखिरी सवाल ज्यादा टाइम लेंगे। डेली वेजर्स की बात की आपने और आपने किया कि बच्चों का फ्यूचर, युवा का फ्यूचर, लेकिन आपकी पार्टी कहती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, हम बहुत सारे काम करेंगे। आपको तो प्राइम मिनिस्टर भी है, केंद्र शासित प्रदेश है और प्राइम मिनिस्टर हमारा भाजपा के मोदी जी हैं, तो फिर क्या क्या भाजपा ने? आपने ये कभी स्टडी किया कि जो ऐसा वो 64 ऑफ 94 में निकला था, किसने पहल था 94 में, किसकी सरकार थी, या 2010 में स्पेशल प्रोविजन एक्ट? नहीं, एक मिनट सुनिए सुनिए, उसमें बैन लगा था कि आप अडॉप्ट डेली वेजर कैजुअल नीड बेस नहीं लगा सकते। अब वो बैन के बावजूद इन्हीं के लीडर्स ने, एनसी कांग्रेस ने लगाया, खुद खड़ा खोदा बच्चों के लिए, उस खड्डे में उनको गिराया। अब भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सुनिए बात, सुनिए बात, सुनिए बात, अब एलजी की सरकार है, हमारा प्रण है उन बच्चों के साथ। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम सबका फ्यूचर जो है वो ब्राइट करेंगे, जो भी पॉलिसी होगी उनके लिए अडॉप्ट करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं बनेगा तब भी करेंगे ना आप, या फिर जरूरी बनाना सीएम? अभी हम अभी भी जोर लगा रहे हैं, जब हमारे कुछ कह रहे हैं कि आपको सीएम होना चाहिए तब बहुत सारे। देखिए सियासत क्या होती है, सियासत होती है आपको कोई अपना ग्रीवेंस बताए, उसको प्रोजेक्ट करो, उसके लिए लड़ो। आप गारंटी नहीं दे सकते, आप गारंटी नहीं दे सकते कि मैं संविधान तोड़ दूंगा। अब अगर 1,00,000 बच्चा रेगुलराइजेशन मान रहा है, तो 1,00,000 बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए वेट भी कर रहा है, मुझे बताइए। अब आप जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको भी, वो भी नौकरी के हकदार है, हकदार है कि नहीं? अगर उनकी नौकरियां किसी और को दे दें वो कोर्ट में जाएंगे। तो ये मुसीबत किसने लाई? ये एमसी, कांग्रेस और पीडीपी ने लाई, और भारतीय जनता पार्टी को इस, भारतीय जनता पार्टी इस सवाल सीएम का, सीएम बनना जरूरी है, फिर मुसीबत हल हो जाएंगे। सीएम बनने से, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सरकारी खजाने का प्रॉपर यूटिलाइज करना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी हो, तो ताकत आपके हाथ में चाहिए, जो ताकत हमेशा अब्दुल्लाश और मुफ्तीस के पास रही है, और वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुई। हम चाहते हैं सरकारी खजाने पे, और खासकर सेंटर से जो खजाना आता है वो जम्मू की गरीब जनता के पास पहुंचे, मुफ्तीस और अब्दुल्लाश के पास सिर्फ ना पहुंचे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी, ये थे मेरे साथ भाजपा के स्पोक्सपर्सन अभिनव जी, और कुछ तीखे सवाल भी किए लेकिन जवाब हमें मिला, और इनने बात की नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड, कि आप इस बात से बखूबी से सेटिस्फाई या नहीं, क्योंकि आज अच्छे दिनों की बात की गई थी, आज जनता रो रही है, और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी को बदलाव करना चाहिए, किस तरह सरकार चलानी चाहिए, और किस तरह इस महंगाई को भी कम करना चाहिए, यानी कि जनता की राय भी बहुत डिपेंड करती है सरकार चलाने के लिए। जनता राय देगी तो सरकार भी उस राय को कंसिडर कर सकती है। जैसे इन्होंने बात की कि भाजपा को सीएम बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि अब्दुल्लाज और मुफ्तीज ने यहाँ पे रूल किया, और अगर भाजपा का सीएम होगा तो ही जम्मू कश्मीर की भलाई हो सकती है। इससे भी आप कितना सेटिस्फाई है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना, इस तरह की और हम शख्सियत से आपको मिलाएंगे और रूबरू करेंगे जम्मू कश्मीर की क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है और क्या कुछ जम्मू कश्मीर में आगे बदलाव आने चाहिए।